हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप सब। तो मैं आज बना रही हूँ शामी कबाब चने की दाल के। तो ये चने की दाल 1 कप मैंने भिगो के रख दी थी 1 से 2 घंटा पहले, और फिर इसको धोकर बॉईल कर लिया था। यहाँ पर कुछ मसाले निकाल लेंगे। यहाँ पर चिली फ्लेक्स है, धनिया पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर है, ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च का थोड़ा सा पाउडर इसके अंदर मैंने डाल दिया है। कुछ खड़े मसाले डालेंगे, दालचीनी का 1 टुकड़ा डालेंगे, 2 से 3 लौंगे है, 1 तेज़पत्ता डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं और साबुत अदरक लहसुन भी डाल सकते हैं। तो अदरक लहसुन आप दाल की क्वांटिटी के हिसाब से डालना। यहाँ पर दाल में एक उबाल आ गया है, ऊपर से झाग इसका जो फेस होता है ना, वो निकालने के बाद मैं ये सारे मसाले इसमें डाल दूँगी और खड़े मसाले भी इसमें इसी तरह से डाल देंगे। और इसको इतने ही पानी में पकाना है और पानी नहीं डालना, और ये पानी पूरा सूख जाए इतना पकाना है। आप देख सकते हैं कि पानी कम हो गया है इसके अंदर से अब, और दाल को भी इतना पकाना है जो थोड़ी कसर रह जाती है ना, इतनी कसर रह जाए ताकि बिल्कुल एकदम नरम ना हो जाए और पीसने के टाइम पे हमें प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पर दाल का सारा पानी सुखाने के बाद मैं ऐसे एक प्लेट में फैला दूँगी ताकि दाल अच्छे से ठंडी हो जाए। और जो खड़े मसाले डाले थे वो निकाल लेंगे हम, और यहाँ पर दाल को पीस लेंगे। आधी प्याज ले ली है मैंने, आप चाहे तो इसके अंदर प्याज फ्राई करके भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आधी प्याज ली है, धनिया पत्ती है, पुदीना के पत्ते हैं और 1 हरी मिर्ची है। तो हरी मिर्ची आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, और इस टाइम पर आप नमक भी चेक कर सकते हैं। अगर नमक कम हो तो आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं इसमें। यहाँ पर ये मैंने सब मिक्स कर लिया है, और 1 चम्मच इसके अंदर मैं गरम घी डाल दूँगी। और घी हमें गरम करके डालना है क्योंकि सर्दियाँ हैं तो घी अक्सर जमा हुआ रहता है। तो इसके अंदर अब 1 चम्मच मैं घी डाल दूँगी। आप देख सकते हैं घी डालने से ये होगा कि अच्छे से बन जाएंगे, टिकिया की शेप में आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अच्छे से बन गए हैं। और अब पैन गरम कर लिया है, उसमें मैंने घी डाल दिया है थोड़ा सा, और इसके ऊपर सूखा आटा लगा दिया है। और सूखा आटा लगा कर इसे मैं सेक लूँगी घी में, और आप देख सकते हैं कि ये तैयार है। पराठों के साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे ट्राई करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।